हाँ जी, तो राम राम, आपका स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल अमित देवधर में। तो चलिए आज हम आपको लेके चलते हैं माता मनसा देवी और दर्शन कराते हैं आपके। और ये हमारे छोटू महाराज रुद्रा जी, इनके चैनल को भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। इनका चैनल मैं अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो सपोर्ट करना। और चलिए आपको लेके चलते हैं माता मनसा देवी। पर वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करना। आप बोलना चाहोगे कुछ? बोलिए, जल्दी कर दो। तो गाइस, ये अभी हम चल पड़े हैं माता मनसा देवी के लिए। हमारे घर से लगभग 2-1 किलोमीटर का रास्ता है माता मनसा देवी का, तो इसलिए हम बाइक पे ही चल पड़े हैं। तो इधर ऑफिस आईटी पार्क है, आईटी पार्क स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हम बस कुछ ही, मतलब लगभग 2-3 मिनट में माता मनसा देवी पहुंच जाएंगे। तो चलिए, और इधर चल रही है शूटिंग, पता नहीं किस चीज़ की है। और ये होटल ललित बिल्कुल सामने इधर। तो चलिए, मैं आपको माता मनसा देवी पहुंचकर फिर वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो एक बड़ा ही सुंदर सा डॉल्फिन चौक पड़ता है हमारे रास्ते में जाते हैं। ये आपका डॉल्फिन चौक, और हमने ले लिया है टर्न अभी यहाँ से। अभी बस 1 मिनट के अंदर हम पहुँच जाएंगे माता मनसा देवी। तो गाइस, हम पहुँच चुके हैं अभी माता मनसा देवी, आपको दिख रहा होगा सामने मंदिर। और बस अभी हम अपनी बाइक लगाएंगे यहाँ पार्किंग में और आगे लेके चलते हैं आपको माता मनसा देवी। लगा दी है अपनी बाइक पार्किंग में और अभी चल रही है मंदिर में आरती। तो चलिए, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ बैक कैमरा से के माता मनसा देवी पे इस टाइम कितनी भीड़ है, क्या है। मेले के टाइम पे यहाँ काफ़ी सारी दुकानें लग जाती हैं। इधर प्रसाद वगैरह की दुकानें हैं सारी, और ये फ्री जूता सेवा है, जूता घर, और इधर आइसक्रीम पार्लर। तो अभी हम लेते हैं प्रसाद, उसके बाद चलते हैं मंदिर के अंदर। तो अभी हमने ले लिया है माता का प्रसाद, और सामने है माता का जो गेट है, यहाँ से प्रवेश द्वार है मंदिर का। तो चलिए, बाकी वीडियो वहीं पे जाके शुरू करते हैं। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना, और जो भी सजेशन हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर दिया करो, ताकि हम अपनी वीडियो क्वालिटी या जो भी हमारे अंदर थोड़ी बहुत जो भी हम गलतियाँ करते हैं उसे सुधार जरूर सकें। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, हम अक्सर शाम के टाइम ही आते हैं माता मनसा देवी, तो लेकिन जब यहाँ पे भीड़ होती है तब ये इन जो लाइनों से जो है ये लाइनें खोल दी जाती हैं, यहीं से एंट्री होती है, यहीं से जाना पड़ता है लाइन में लग के। और जब भीड़ नहीं होती, रश कम होता है, तो इधर साइड से आप आ सकते हैं। और यहाँ से होती है माता मनसा देवी की एंट्री, ये चेकिंग है यहाँ पे, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो। तो चलिए, ये माता का शक्ति ध्वज है, मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। अभी चल रही है माता की आरती, ये लाइव आरती चल रही है माता की, आप दर्शन कर सकते हो। ये जो दरवाजे हैं ना माता के, जो मेन गेट पे दरवाजे लगे हैं, चांदी के दरवाजे हैं यहाँ पे, इस तरफ भी, और अगर मैं आपको इधर दिखाऊं इस तरफ भी, पहरेदार माता के शेर ये पीतल के बने हुए हैं यहाँ पे। तो ये एक इस तरफ।
दोस्तों मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इसलिए हम वहाँ पर शूट नहीं कर सके। बाहर बजरंग बली जी महाराज का मंदिर है, इधर ये विश्राम के लिए है, उधर आपका दान कक्ष, ऊपर शंकर जी का मंदिर है। माँ काली मेरे सामने ना बहुत प्राचीन पीपल का पेड़ है, यहाँ पे लोग धागे बांधते हैं ताकि उनकी मनोकामना पूरी हो सके। पहले यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ करता था, ये जो अभी इसकी जो सेफ्टी के लिए इसके चारों तरफ में लगा दिया गया, पहले ऐसा नहीं था, ओपन ही था यहाँ पर। और अभी चल रही है माता की आरती, तो मंदिर भी दिखा देता हूँ। यहाँ सामने जलाई जाती हैं ज्योत और धूप बत्ती। मंदिर के साइड का नज़ारा है भाई, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना, जय माता दी लिखना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। गैलरी है, ये दान कक्ष है और एक बड़ा सुंदर सा पार्क बनाया हुआ है, दिखाता हूँ आपको। बड़ी अच्छी लाइटिंग की हुई है यहाँ पे, देखो तो। और ये जो आपको शेड सा डाला हुआ दिख रहा है, यहाँ से होता है एग्जिट, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। और ये जो मंदिर के पीछे से जो गैलरी जा रही है ना, यहाँ से आगे है पटियाला मंदिर, पटियाला माता का मंदिर है। तो चलिए आपको पटियाला माता का मंदिर भी दिखाते हैं। इधर देखो डेकोरेशन देखो आप, काफ़ी अच्छी है, मतलब जगह जगह अच्छे अच्छे छोटे छोटे से बनाए हुए हैं। इधर सत्संग भवन है, जब सत्संग वगैरह होता है तो यहाँ पे हम सत्संग करते हैं। ये सामने सत्संग भवन है माता का, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, वाटिका बनाई हुई है एक बड़ी अच्छी सी। और अगर मैं इधर साइड में दिखाऊं आपको तो पूजा भवन है, यज्ञशाला वगैरह बनी हुई है। यहाँ से देखते हैं तो ये पूजा भवन है, लगभग कोई अनुष्ठान वगैरह होता है तो यहाँ पे होता है। और आगे चलते चलते मैं आपको दिखाता हूँ, आगे यज्ञ भवन है अपना। जब कोई हवन वगैरह होता है तो वो यहाँ पे किया जाता है। ये सामने जो दिख रही है ना आपको बिल्डिंग, ये यज्ञ भवन की बिल्डिंग है, ठीक है जी। इधर ना आगे जाके एक बड़ा सुंदर सा पार्क है, यहाँ पे फाउंटेन वगैरह चलते रहते हैं, दिखाता हूँ आपको आगे जाके। जो यज्ञ भवन मैंने आपको दिखाई दिया था, तो चलते हैं उधर, आपको फाउंटेन वगैरह दिखाता हूँ। ये जो पार्क, बड़ा अच्छा शांत सा माहौल है, आरती का टाइम है। देखो ये है वो पार्क, और चलते रहते हैं, लाइटिंग वगैरह होती रहती है यहाँ पे। ठीक है जी, ठीक है। पीछे माता के भवन भजन चल रहे हैं तो थोड़ा देख लेना इस हिसाब से।
अभी हम चलते हैं आगे पटियाला माता के मंदिर, चलते हैं दिखाते हैं आपको। तो अभी हम आ गए हैं जी पटियाला मंदिर, पटियाला माता का मंदिर। ये पटियाला माता माता का प्रवेश द्वार और सामने ही मंदिर दिख रहा है आपको। तो चलिए अंदर चलते हैं। यह है पटियाला माता मंदिर और ये इसका एरिया है जी, काफी बड़ा एरिया है पटियाला माता मंदिर का भी। और ये जो सामने आप पेड़ देख रहे हो ना, यहाँ पे शूटिंग हुई थी सन ऑफ सरदार मूवी की, ठीक है जी। ये जो वट वृक्ष है, यहाँ पे थी सन ऑफ सरदार मूवी की शूटिंग। और वहाँ पे जो पीछे आपको ये रेड सी बिल्डिंग दिख रही है ना, यहाँ पे लगता है माता का भंडारा। और जो पूरे चंडीगढ़ में और पंचकुला में जाता है, 10 रुपये में 4 रोटी और अचार के साथ, 1 सब्जी अचार। तो चलिए अंदर चलते हैं और कराते हैं दर्शन। ये माता का, और सामने आप दर्शन भी कर सकते हो माता के, पटियाला माता मंदिर। कमेंट में हम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। पे भी है शंकर जी का मंदिर साथ में। और इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी, और कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता मनसा।